सबको लगता है कि लिक्विड इंजन मेरी वजह से फेल हुआ है, लेकिन सच तो ये है कि मैं आपकी वजह से फेल हुआ हूँ। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देशभक्ति का मतलब समझाने के लिए उन्होंने तुम्हारी तस्वीर छाप रखी है। नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे अभी हाल ही में 1 जुलाई को रिलीज हुई फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के शुरुआती 4 दिनों के अपडेटेड वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। आप सभी को बताते चले दोस्तों कि फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को काफी लिमिटेड स्क्रीन काउंट पर रिलीज किया गया था, जहां पे दोस्तों पहले दिन तो इस फिल्म को काफी धीमी शुरुआत मिली, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे इस फिल्म के रिव्यूज आना स्टार्ट हुए और फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी का सहारा मिलता गया और सैटरडे और संडे होते होते ये फिल्म दोस्तों कई सारी जगहों पर हाउसफुल हो चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के सेकंड डे और थर्ड डे के कलेक्शंस में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली और थर्ड डे यानी कि संडे के दिन इस फिल्म के कई सारे शोज हाउसफुल नजर आए थे और ये फिल्म दोस्तों काफी धमाकेदार कमाई इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे हासिल कर चुकी है। इस फिल्म को महज 40 करोड़ रुपए के बजट में तैयार किया गया है, जिसमें हमें आर माधवन नम्बी नारायण जी के किरदार में नजर आए हैं। फिल्म का दोस्तों बॉक्स ऑफिस पे क्लैश हुआ था आदित्य रॉय कपूर की फिल्म लास्ट कवच ओम के साथ और सबको लग रहा था कि लास्ट कवच ओम फिल्म रॉकेटरी से ज्यादा कमाई इंडियन बॉक्स ऑफिस पे कर लेगी, क्योंकि फिल्म में लास्ट कवच ओम को रॉकेटरी के मुकाबले काफी ज्यादा स्क्रीन काउंट मिली थी। लेकिन दोस्तों ऑडियंस की पहली पसंद बनी फिल्म रॉकेटरी और इसी के दम पर फिल्म रॉकेटरी ने काफी अच्छी कमाई इंडियन बॉक्स ऑफिस पे हासिल कर ली है। इस फिल्म को दोस्तों हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और इंग्लिश भाषा में भी रिलीज किया गया है और सभी लैंग्वेजेस में इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। बात की जाए फिल्म के दोस्तों 4 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस फिल्म ने दोस्तों अपने पहले दिन सभी भाषाओं में कमाई की 2 करोड़ 80 लाख रुपए, तो वही सेकंड डे फिल्म को मिले अच्छे रिव्यूज के दम पर फिल्म के कलेक्शंस में जबरदस्त ग्रोथ देखी गई और फिल्म ने सभी लैंग्वेजेस में कमाई की 4 करोड़ रुपए। तो वही संडे को थर्ड डे इस फिल्म के कलेक्शंस में एक बार फिर से जबरदस्त ग्रोथ देखी गई और ये फिल्म दोस्तों साउथ लैंग्वेजेस में थर्ड डे कई जगहों पर हाउसफुल भी रही थी। इस फिल्म ने अपने थर्ड डे इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सभी लैंग्वेजेस में कमाई की 5 करोड़ 50 लाख रुपए और इसी के साथ फिल्म का जो शुरुआती 3 दिनों का ऑल लैंग्वेजेस का इंडियन हेड कलेक्शन था वो 12 करोड़ 30 लाख रुपए का हो चुका था। बात की जाए फिल्म के फोर्थ डे यानी कि आज मंडे की, तो आमतौर पर देखा जाता है कि मंडे को वर्किंग डे होने के चलते ज्यादातर फिल्मों के कलेक्शंस में बड़ा ड्रॉप देखने को मिलता है, लेकिन फिल्म रॉकेटरी ने आज भी बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छा होल्ड बना के रखा हुआ है और आज ये फिल्म दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पे सभी लैंग्वेजेस में लगभग 2.5 करोड़ रुपए की कमाई हासिल कर रही है। इसी के साथ फिल्म का जो अब शुरुआती 4 दिनों का इंडियन बॉक्स ऑफिस पे इंडियन नेट कलेक्शन है वो 14 करोड़ 80 लाख रुपए का हो चुका है। साथ ही वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे आज ये फिल्म 20 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है और जिस तरीके का रिस्पांस ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को मिल रहा है उसे देखकर ही कहना गलत नहीं होगा कि जल्दी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म भी साबित हो सकती है। वैसे दोस्तों फिल्म रॉकेटरी को लेकर आपका क्या रिएक्शन है, साथ ही दोस्तों आपको क्या लगता है कि फिल्म रॉकेटरी का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना रहेगा, हमें अपने प्रेडिक्शन कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए चैनल के साथ। कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही में दिख रहा है बेल आइकन को भी दबा दीजिए।